हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा गेम हाउ टू इंडिकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है और उनके बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग इनेबल है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग बिना बैंक ब्रांच जाए आरडी करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से कैसे कर सकते हैं घर बैठे, वो भी ऑनलाइन। और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आरडी और एफडी क्या होता है, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर से एक लिंक दे रहा हूँ। जो भी आपको पहला लिंक मिलेगा आप वहाँ पर से क्लिक कर इस वेब पेज पर आ जाइए और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आप आरडी क्या होता है और एफडी क्या होता है, दोनों के बारे में आपको यहाँ पर से विस्तार से पता चल जाएगा। और मैं आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास कुछ पर्टिकुलर इनकम जो है वो हर महीने आती है, फिर चाहे वो आपकी सैलरी हो या फिर आपके पास कहीं से पैसा आता है और आप उस पैसे में से कुछ पार्ट जो है उसको हर महीने सेव करना चाहते हैं, आप उसकी आरडी कर सकते हैं और उसमें कुछ परसेंट आपको इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। अभी मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि कितना परसेंट उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन आरडी कर सकते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट में लॉगिन करना होगा अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। मैं यहाँ पर से इसका नया वाला जो वर्जन है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, लॉगिन न्यू वर्जन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर से अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप घर बैठे आरडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने इसमें लॉगिन करा तो यहाँ पर ही हमको हमारा ट्रांजैक्शन अकाउंट दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पर ही हमको हमारे डिपॉजिट अकाउंट दिखा रहा है। तो जितने भी डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं, जो आपके आरडी और एफडी होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको डिपॉजिट अकाउंट के अंदर दिखाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर आप लोग ऑनलाइन घर बैठे एफडी करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर से क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग एफडी करना चाहते हैं तो आप एफडी भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि आरडी कैसे करनी है। तो आरडी के लिए आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है फिक्स डिपॉजिट का, आपने क्या करना है, इसके ऊपर जैसे माउस लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है ईआरडी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर से इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, इसके ऊपर माउस लिखेंगे और उसके बाद ईआरडी के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे आप यहाँ पर से ईआरडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है। आप यहाँ पर से क्या करेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर से प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर से प्रोसीड पे क्लिक करा तो यहाँ पर ही देखिए हमारा जो अकाउंट है जिससे पैसा कटेगा वो यहाँ पर से हमको दिखा रहा है सेविंग अकाउंट। और उसके बाद ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप लोग कितनी आरडी करना चाहते हैं, मतलब कितने की आरडी करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर से करता हूँ, जैसे मैं 1000 रुपये हर महीने बचत करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर से क्या करा, मैंने आरडी में 1000 रुपये जो है उसको एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर से अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, उसका आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है वो मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, आपने यहाँ पर बताना है कि कितने टाइम के लिए आप अपनी आरडी करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर से 1 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, 10 साल तक का आप यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर से 1 साल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर से मंथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, 1 साल 1 महीना 1 साल 11 महीने, तो आप यहाँ पर से इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल 1 साल 0 महीने तक का सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो आरडी है जब वो मैच्योर हो जाए, मतलब वो 1 साल कंप्लीट कर ले अपना, जो भी आप यहाँ पर से टेन्योर ऑफ डिपॉजिट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर से अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका प्रिंसिपल है जितना आपने जमा करा है और प्लस उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में आ जाए, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसको बाद में जो भी आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है आप उसका एफडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर से कोई एफडी नहीं करनी है। अगर आप एफडी करेंगे तो आपको यहाँ पर से टाइम बताना होगा कि आप यहाँ पर से इसको कब तक के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर से ईयर और मंथ इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने साल कितने महीने के लिए आप इसको करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर से मेरा जो प्रिंसिपल है और जो उसमें इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो मुझे यहाँ पर से वापस मिल जाए। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन में आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर से इसके जो इंटरेस्ट रेट है आपने उसको देखना है तो आप यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे। और जैसे आप यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से एक नई विंडो खुल जाएगी, आपको यहाँ पर से इसके इंटरेस्ट रेट जो है वो पता चल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ और आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर से इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पर से देखिए पेज खुल चुका है और उसके बाद यहाँ पर से हमारा जो है वो 1 करोड़ से कम का है, हम यहाँ पर से इसमें क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर से देखिए आप लोग अपना इंटरेस्ट रेट जो है उसमें चेक कर सकते हैं, आपको कौन सा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर से इसमें पड़ेगा। तो यहाँ पर से 7 दिन से 45 दिन तक का ये लिखा हुआ है और सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप लोग नीचे भी चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से नीचे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट क्लोज कर देता हूँ, कहीं यहाँ पर से ये जो इसका सेशन है वो टाइम आउट ना हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से पुराने पेज पर आ गए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर से सबमिट पर क्लिक कर देते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर से सबमिट पे क्लिक करा तो यहाँ पर ही देखिए मेरे को सारी की सारी डिटेल जो है वो दिखा रहा है, मेरा जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर से दिखा रहा है, और उसके बाद ब्रांच दिखा रहा है, और उसके बाद मेरी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो ये दिखा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक साल सेलेक्ट कर रखा था तो ये दिखा रहा है मुझे यहाँ पर, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो मैंने आपको बताया था 6.75 के हिसाब से मुझे ये पड़ेगा, और मेरा जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा मैं करूँगा 12,000, मतलब एक साल अगर मैं कर रहा हूँ 1,000 रुपये मंथली तो मेरा 12,000 हो रहा है, और उसमें मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 445.24 रुपये, और ये जो मेरी मैच्योरिटी डेट है वो है यहाँ पर से 12/9/2018, और यहाँ पर से देखिए सीनियर सिटीजन मैं नहीं हूँ तो यहाँ पर से ये नो लिखा हुआ रहा है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से इस डिटेल को कन्फर्म करना होगा, मैं यहाँ पर से नीचे को स्क्रॉल करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर से देखिए जैसे मैंने कन्फर्म पे क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए मेरी जो आरडी अकाउंट है वो खुल चुका है, और यहाँ पर से मेरी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो चले गई है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ योर आरडी हैज़ बीन पेड, क्लिक टू सेट SI। आपने क्या करना है यहाँ पर से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो है उसको सेट करना है, तो आप यहाँ पर से इसमें क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर से इसमें क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास एक मैसेज लिखा हुआ रहा है, प्लीज़ इंश्योर दैट द सफिशियंट बैलेंस इज अवेलेबल इन योर अकाउंट ऑन द शेड्यूल्ड डेट। आपको क्या करना है, जो भी आप डेट शेड्यूल करेंगे उसमें आपका जो अमाउंट है, मतलब जैसे 1,000 रुपये करना है तो वो 1,000 रुपये मेरे अकाउंट में होना चाहिए, नहीं तो मेरे को यहाँ पर से पेनल्टी पड़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए टू अवॉइड पेनल्टी मुझे क्या करना होगा, आपने उसमें जो बैलेंस है उसको रखे रहना होगा 1,000 रुपये। अब से देखिए मेरे जो एक इंस्टॉलमेंट है वो चले गई है, और मेरे को यहाँ पर से अब 11 इंस्टॉलमेंट और देनी है, मतलब 11,000 रुपये और देने हैं। मैं यहाँ पर से इसको क्या करता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मेरे पास जो मैसेज है वो आ चुका है, योर रिक्वेस्ट फॉर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, और यहाँ पर से इसका रेफरेंस नंबर आ चुका है ईआरडी का, और अगर आप लोग यहाँ पर से इसको देखना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर से इसको बैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर से देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर से जैसे मैंने इसमें क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए मेरा जो आरडी है वो यहाँ पर से आ चुका है। अगर आपकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, जैसे अगर हम लोग एफडी करते हैं तो वहाँ पर हमें बॉन्ड पेपर जैसा दिखता है, और यहाँ पर ये हमको ऐसा दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी जो 11 की 11 किस्तें हैं वो यहाँ पर से कब कटेंगी वो सारी की सारी डेट जो है यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। हमें क्या करना होगा, अपने अकाउंट में इतना बैलेंस जो है वो मेंटेन करके चलना होगा, तब यहाँ पर से कट पाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर से हम क्या करेंगे, माय अकाउंट एंड प्रोफाइल में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए होम पर जाता हूँ मैं, ठीक है, अकाउंट समरी पे मैं यहाँ पर से जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर से देखिए मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो भी आपके डिपॉजिट अकाउंट होंगे, फिर चाहे वो आपकी एफडी हो या आरडी हो, तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जैसे अभी हमारे उसमें एक ही दिख रहा था ये वाला, अब हमारे उसमें ये वाला भी दिख रहा है। अगर आप लोगों को इसके ट्रांजेक्शन देखने हैं, आप लोगों को चेक करना है कि इसका जो अमाउंट है वो कटा या नहीं कटा, तो आप यहाँ पर से इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें ये आपको लास्ट 10 ट्रांजेक्शन जो है वो दिखा देगा। तो ऐसे करके आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन आरडी करवा सकते हैं, और अगर आप लोगों को एफडी करवानी है तो इसी वीडियो के जस्ट लास्ट में अभी आपको एक लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां पर से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग आरडी करना चाहते हैं तो आरडी करिए, और अगर आप लोग एफडी करना चाहते हैं तो आप लोग एफडी भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहाँ पर बगल में एक घंटी आपको मिलती है, आपने इस घंटी को दबाना है, और जैसे आप यहाँ पर से इस घंटी को दबा देंगे तो आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएंगे जब भी हम नया वीडियो इसमें डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।